आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा में भाजपा विधायक अनीता कटारा को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं देने पर अनीता कटारा आज पार्टी के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के साथ जेएसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। बागी अनीता कटारा के निवास पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नजर आया। करीब 11 बजे अनीता के निवास कार्यकर्ताओं से भर गया। कार्यकर्ताओं के बैठक के बाद बैंडबाजी के साथ अनीता कटारा एसडीएम कार्यालय अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची और निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता बागी विधायक के साथ नजर आए। इसमें से मुख्य सागवाड़ा प्रधान रेखा रोत व नगर पालिका चेयरमैन ने खुलकर अनीता कटारा के साथ देने की बात कही। खबर आपकी राजस्थान से परवेश जैन की रिपोर्ट। टिकट किस कारण से कटी ये तो संगठन का निर्णय है, ये उनके लेवल का मैटर है, मैं कैसे बता सकती हूँ। कभी आवाज में कुछ ऐसा कह सकते हैं कि घर का भी दिल काटा है, यदि कि आपके ससुर जी और परदेश के बाद करणमल जी पे क्या आरोप लगा थे टिकट काटने का। मैं तो किसी का नाम लेके कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, पर यह जरूर कहूँगी कि कुछ ठेकेदारों के उनके मंसूबे पर वो खरे नहीं उतर पाए, उनके जेब नहीं भरे, इस वजह से मेरी टिकट कटवाई है, ये जरूर कहना चाहूँगी। बाकी नामजद मैं किसी को ये कहना नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे इस व्यक्ति ने टिकट कटवाई है। अगर जीत गए किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? जनता का आशीर्वाद है, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जीतना तो है ही, बिल्कुल तय है। हम मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, सभी के हर वोटर्स के पास पहुंचेंगे और जीतने के बाद निर्णय करेंगे। मैं और उसमें मेरे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा, उनका जैसा मार्गदर्शन मिलेगा ऐसे मैं निर्णय करूंगी। आपको